नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ग्लैमर पे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ब्लेंडर जो एक ओपन 3D क्रिएशन सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा बताऊंगा। ब्लेंडर को इंस्टॉल करने का दो और मेथड है, दो और प्रोसेस है जो अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बना दूँगा। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं फ़ोन में कैसे ब्लेंडर यूज कर रहा हूँ। ब्लेंडर का यूजर इंटरफेस है, तो ये जो मैं आपको ब्लेंडर इंस्टॉल करने का जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये सिंपल सा एक मेथड है जो एप्लीकेशन के माध्यम से और एक डेटा है उसके माध्यम से इसमें ब्लेंडर रन कर रहा है। और मेरे पास दो और मेथड है जिसे मैं आपको बता सकता हूँ ब्लेंडर इंस्टॉल करने का। पहला मेथड है आपको एक्स्ट्रा गियर से और दूसरा मेथड है टर्मक से। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये यूजफुल नहीं लगा तो, और आपके यूजर इंटरफेस में थोड़ा सा इसमें अगर इशू हो, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा है, क्योंकि जूम यहाँ होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जूम नहीं होता है, तो इसलिए आपका देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और सब सही है यहाँ, मीन्स पूरा जो यूजर इंटरफेस है इसका पूरा आपका पीसी वाला है, इसमें आप टोटल काम जो वहाँ करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जूम करने का फैसिलिटी नहीं है। और भी है कि आपको फ़ोन का स्क्रीन साइज छोटा हो तो जूम रहता है तो अच्छा रहता है। चलिए, तो भी मैं इसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ। और आपको और चाहिए कि नहीं इसका, मुझे दूसरा कोई मेथड से चाहिए इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा जरूर वीडियो उस पर। चलिए तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करें। चलिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं आपको इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें दो फाइल है जो आपको डाउनलोड करना है, एक एप्लीकेशन है और दूसरा है जो ब्लेंडर का डेटा है जिसे ब्लेंडर रन करेगा। तो चलिए, मैं उसमें से एक का लिंक मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप यहाँ क्रोम या कोई और ब्राउजर में खोल लीजिएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं लिंक पर ओपन कर दिया हूँ, यहाँ खुल चुका है। आपको लिख रहा है ब्लेंडर प्लेयर 2.6.3, ये एप्लीकेशन है, .apk इसका एक्सटेंशन है, तो एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में इजली रन कर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फाइल साइज इसका 30 MB का है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसका जो डेटा है वो भी लगभग 8-9 MB का होगा, तो अभी कोई बड़ा साइज का नहीं है। चलिए, यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ क्रिएट डाउनलोड लिंक पर आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पर कुछ देर के लिए क्लिक करके और ओपन इन न्यू टैब में जाना है। ओपन न्यू टैब में जाने के बाद आपको डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दे देगा। देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है इसका डेटा डाउनलोड करने का, आप लिंक से जाइएगा और डाउनलोड सेम प्रोसेस से यहाँ कर लीजिएगा। मैं इसे यहाँ डाउनलोड नहीं करूँगा, मेरे फाइल मैनेजर में ऑलरेडी है। चलिए, तो आप नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट में हम फाइल मैनेजर में आ गए और डाउनलोड फोल्डर में जा रहे हैं जहाँ हमने डाउनलोड किया था। चलिए, यहाँ तो मैंने यहाँ ब्लेंडर प्लेयर एप्लीकेशन यहाँ जो अभी आपको डाउनलोड करने का मैंने बताया है पूरा प्रोसेस वो हो गया, यहाँ जो 32 MB का है और एक और इसका डेटा है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको डेटा यहाँ हो गया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ डेटा इसका एंड्रॉयड टेम्पलेट वाई टेक्निकल ग्लैमर, इसका डेटा है जो 10 MB का है लगभग, इसका डेटा हो जाएगा एंड्रॉयड टेम्पलेट वाई टेक्निकल ग्लैमर। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था ब्लेंडर प्लेयर, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, तो इसे मैं यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों, तो इंस्टॉल हो गया। चलिए दोस्तों, तो सबसे लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको जो ब्लेंडर प्लेयर एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया उसको आपको ओपन कर लेना है। चलिए, मैंने यहाँ इसे ओपन कर लिया। आपको सिलेक्ट गेम पे क्लिक करना है, यहाँ सिलेक्ट उसको करेगा आपको फाइल मैनेजर, तो आप जो आपने डेटा डाउनलोड किया है ब्लेंडर का उसको ये सिलेक्ट करना है यहाँ। चलिए, तो उसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको नीचे आकर है और आपको फाइल मैनेजर में जाना है और जो फाइल आपने डाउनलोड किया था एप्लीकेशन के अलावा, जो सेकेंड फाइल आपने डाउनलोड किया था उसे आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। चलो, तो सेकेंड फाइल जो मैंने डाउनलोड किया था उसका नाम है एंड्रॉयड टेम्पलेट वाई टेक्निकल ग्लैमर। तो एंड्रॉयड टेम्पलेट वाई टेक्निकल ग्लैमर, इस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और ओके कर देना है। चलिए, सिलेक्ट गेम हो गया है। आपको अब स्टार्ट ब्लेंडर प्लेयर पे क्लिक करना है। चलिए,
स्टार्ट ब्लेंडर पर क्लिक करने के बाद आपको जो यूजर इंटरफेस आ गया आपका ब्लेंडर का, आप इसमें आप टोटल अपना वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।